छोड़ रहा कोई बात। सब तो पहले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये गणेश की मेहनत आ जिहड़ी उन्हें इन्ने सालों तो करता आया। ये मैडल नकली नहीं है, ये ओरिजिनल आ। तो ये कमाने बहुत औखे आ, जिहड़ा बंदा कमाउंदा उहनूं इहदी कीमत पता हुंदी आ कि यह की चीज़ आ उहदे वास्ते। बाकियां लई तां इहो देखण लई सिर्फ मैडल जां ट्रॉफी ही हो गईआं। जिस बंदे नूं मेहनत करके मिलदा आ तो उन्होंने यदि वैल्यू पता होंगी है। तो ये मिस्टर वर्ल्ड कॉम्पीटिशन होया सीगा दिल्ली दे विच, फिट लाइन वाले का बहुत वड्डा ईवेंट सीगा। तो उत्थे उहदे विच स्टार कैटागरी दे विच सिल्वर मैडल आया आल ओवर वर्ल्ड दे विचों गणेश का, जो कि एक बहुत वड्डी अचीवमेंट आ। तो गणेश नूं बहुत बहुत वधाई आ। तो अगे भी आपां गणेश दे नाल रहना, जुड़ के इहनूं मेहनत करवाउणी आ होर, तो गणेश अगे वधूगा। तो बाकी ये साडे लिए एक बहुत वड्डी मोटीवेशन आ कि परमात्मा ने इहनू हाइट तो छोटी दित्ती आ पर जिहड़ा दिमाग आ जां दिल आ वह बहुत स्ट्रोंग दिता साडे नालों भी कितें ज़्यादा। असीं बहाने बनाउंदे रहिंदे घर बैठे आह नहीं कर सकते, वो सानू साडे कोल टाइम नहीं हैगा, जिम नहीं हुंदा, फलाना नहीं हुंदा। तो जिहड़ी ये बॉडी एवें नहीं बन जाती, बहुत इहदे पिछे मेहनत आ ते बहुत कंट्रोल करना पैंदा, बड़ा डिसिपलिन च रहना पैंदा, ते फिर ये बॉडी बनती आ। तो मैं सारे यही अपील करदा कि यार अपने घट्टो घट अपनी जिम ज्वाइन करो, सेहत का ध्यान तो रखो, बीमारियों तो दूर रहो, दवाइया तो बच जाओगे, वधिया डाइट खाओ। तो जिहड़ा पैसा आ चलो कमाना चाहिए पर पैसा इन्ना भी जरूरी है नहीं कि जिहड़ा आपां बाद च बीमारियां ते पैसे ला दिए सारे। जिन्ने क कमाए होंदे आ बीमारी भी नहीं ठीक होंदी, तो पैसा भी जाता लगता, बंदा भी जाता लगता। सो हैल्थ वाल सारे ध्यान देना चाहिए। तो आप बाकी गणेश दे छोटा भरा भी है मेरा, तो मेरा स्टूडेंट भी, आप हमेशा इदे खड़े रहेंगे तो ये अगे वाधा रहेगा परमात्मा करे। तो गणेश कि बस वधिया जी। तो मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा कि अच्छे जो भी तेरे सामने मैडल सर्टिफिकेट या जो भी ट्रॉफियां पाइं ना, तो आ भी भाजी करके ही आया वा, क्योंकि अज तो मैं 3-4 महीने पहला मैं भाजी को आया था। तो मैं भाजी को कपूरथले मिलेगा, मैं तो उदो ही गलबात हुई थी, तो मैं अपनी प्रॉब्लम सारी दसी। मैं तो भाई ने कहा कि तू कोई गल नहीं मेरे जिम आ जा, तो मेरे को जिन्ना क होगा मैं उन्नी सपोर्ट जरूर करूँगा। तो मैं फिर भाई को मैं आया, फिर मैं पिंड चल गया सर, मैं पिंड तो आने बाद फिर मैं भाई के जिम च लगा। तो उस तो बाद ही मेरी जिनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भाई को, भाई को आने तो बाद ही मेरी बॉडी चेंज हुई है। तो जे मैं भाई को ना आता तो शायद मेरी बॉडी जिदा पहला सी उत्थे रुकी रहनी सी। तो क्योंकि एक थोड़ा कोच का होना भी जरूरी है, एक नॉलेज होनी भी जरूरी है ना। तो मैं भाई को आया तो भाई को मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो भी आज तेरे सामने भाई करके ही देखो, एक चीज़ मैं होर कहनी है कि चलो बंदे च तो लगन होंगी है पर जदों तक वो पिछे कोई हाथ नहीं ना होंगे किसी कोच का या टीचर का गुरु का, वो अगे नहीं बढ़ता, उन्होंने रास्ता नहीं नज़र आता, वह भटकता रहा। तो मेरे ख्याल ना जिहड़ा गुरु है ना उही बंदे नूं अगे लैके जांदा। गुरु नूं कदी ना भुलो, हमेशा गुरु नूं याद रखो, उहदे कहण ते चलो ते अगे वधदे रहोगे, उहदी रिस्पैक्ट करो हमेशा। ते नाले जीत भाई मेरे वड्डे भरा भी ने, ते आपां नूं बहुत सपोर्ट करदे आ, ते मैं भाई हुणां नाल इहदे हमेशा जुड़िया रहूँगा। तो जिदा कि आप मैं छोटा भरा बोलते हैं तो मैं इन्होंने वड्डा भरा शुरू से, क्योंकि शुरू से इन्होंने मैंने एक ही गल कही कि कोई भी पुछे ना कि कौन आ, मैं कह दी मेरा वड्डा भरा है। तो बस भाई आप इदे सपोर्ट करते रहना, आप होर अगे वे जावे, तो इदा के मैडल होर आप लैके आवेंगे। चलो बेस्ट ऑफ लक गणेश फॉर फ्यूचर। तो आपू गणेश को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि ये डिसेबल होंगे हो भी, चलो परमात्मा वालों तो डिसेबल जिदा भी रब ने बनाया पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी, तो हिम्मत करके वह अगे वध रहा। तो सानू ये को काफ़ी कुछ सीखने मिलता, तो मोटिवेशन मिलती है, तो आप भी करिए कुछ लाइफ के। थैंक यू सो मच।